आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरे साधु संत, साधु संतों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है। कंप्यूटर बाबा का कहना है शिवराज सरकार के राज में ठगा सा महसूस कर रहे हैं साधु संत। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ साधु संतों का एक धड़ा भोपाल के सिंधी कॉलोनी स्थित साईं मंदिर पर जमा हो गया। इन साधु संतों ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। साधु संतों के प्रमुख कंप्यूटर बाबा का कहना है कि शिवराज सरकार के राज में साधु संत खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि धर्म विरोधी पार्टी है बीजेपी। इस बार चूंकि शिवराज सरकार को 15 वर्ष दिए हैं संतों ने इनकी सरकार बनवाई थी, अब संत इनकी सरकार को गिराते हैं और 5 वर्ष कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पे संत विश्वास रखते हैं, संत कांग्रेस पे विश्वास रखते हैं। हम संत समाज ने कहा है हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस को विजयी बनाना है और हमें विश्वास है अब कांग्रेस पे कि ये धर्म से अपनी सरकार चलाएंगे और यदि कांग्रेस धर्म से चलाने में चूकेंगे 5 वर्ष तो इन्हें देंगे। इस बार 5 वर्ष इन्हें दे रहे हैं और नहीं, यदि 5 वर्ष ठीक से काम नहीं करेंगे, संतों के सलाह मशवरे से काम नहीं होगा, इनके भी कान पकड़ के बाहर कर देंगे। ये संत समाज ने तय कर दिया है। संत समाज कह रही है कांग्रेस होगी 200 पार। कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं मान सकते हैं कि सरकार बन रही है। यदि आप कमलनाथ की बात करते हैं कि सरकार बल नहीं है तो कमल से अच्छा तो कमलनाथ ही है। इन साधु संतों का कहना है कि हम लोगों ने 15 सालों तक बीजेपी की सरकार बनवाई, अब कांग्रेस को समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने धर्म विरोधी काम किए तो उनके कान पकड़कर उसे भी बाहर फेंक देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।